खूबसूरती पर दाग किसे पसंद होता है और इन दाग को ही झाइयां कहा जाता है। पहले आपको बता दें कि झाइयां किसे कहते हैं और झाइयां यानी पूरे चेहरे पर वो क्यों नुकसान पहुंचाती। तो आपको बता दें कि झाइयां भूरे या काले रंग के धब्बे पड़ जाना होता है और ये दोनों गालों से शुरू होकर कई बार नाक और आँख के ऊपरी हिस्से भौहों तक फैल जाता है, जिससे लोगों के चेहरे पर झाइयां हो जाती हैं। वे ही समझ सकते हैं कि इसका सही उपचार उनके लिए कितना मायने रखता है। वहीं आपको बता दें कि झाइयां और इसके दाग की वजह से चेहरे की खूबसूरती पूरी तरह चली जाती है। झाइयों का उपचार करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये किस वजह से होती है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए आपको जल्दी से बताते हैं इसके कारण क्या है। इसके कारण है हार्मोनल असंतुलन या गर्भधारण करने की स्थिति में हो सकता है या गर्भ निरोधक गोलियां लंबे समय तक लेने से ये हो सकता है। वही आनुवांशिक कारण भी इसमें होते हैं। धूप की किरणों से बचाव ना करने की वजह से, कुछ कॉस्मेटिक उत्पाद एलर्जी की वजह से, और झाइयां थायराइड बीमारी के मरीजों में भी देखी जा सकती है। वहीं रजोन्वृत्ति के समय बढ़ जाती है झाइयां। झाइयों के प्रकार चार होते हैं। पिगमेंटेशन कितनी गहराई तक है उसके अनुसार झाइयों को चार भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है एपिडर्मल झाइयां, जहां इस अवस्था में केवल ऊपरी सतह पर प्रभावित होती है और इस तरह की झाइयों को ठीक करना आसान होता है। वहीं दूसरे नंबर पे आता है डर्मल झाइयां। इसमें पिगमेंटेशन त्वचा की गहराई तक होता है, इसका ट्रीटमेंट कठिन होता है। वहीं तीसरे नंबर पे आते हैं मिश्रित, जहां इस तरह की झाइयों का ट्रीटमेंट काफी कठिन होता है। इसमें लेजर और पील उपचार किया जाता है और संयुक्त रूप से इसको ट्रीटमेंट में लिया जाता है। चौथा कारण है अस्पष्ट झाइयां। इस तरह की झाइयां बहुत गहरे रंग की त्वचा में पाई जाती हैं। ऐसी अवस्था में त्वचा की स्थिति के बारे में जानना आसान नहीं होता। क्यूरियन हेल्थ एक्स की रिपोर्ट।